नए साल की जब शुरुआत होती है तो हम रिफ्रेश बटन दबाने के लिए ज्यादा उत्साहित होते हैं, वो इस वजह से भी क्योंकि हमें लगता है कि नया साल है, नए रेजोल्यूशन के साथ हम इस साल में प्रवेश करेंगे। लेकिन अगर आपका बीता हुआ साल यानी कि 2018 पीवी सिंधु की तरह बीता हो और इतने धमाकेदार तरीके से खत्म हुआ हो तो रिफ्रेश नहीं, रिप्ले बटन दबाना चाहिए। और अगर रिप्ले बटन दबा ही रहे हैं तो आपको लेकर चलते हैं पीवी सिंधु के साथ इस सफर में। पीवी सिंधु, बीबीसी हिंदी से बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्लीशे सवाल नहीं पूछेंगे, एक सवाल जो मेरे जहन में आया था। 23 साल की आपकी उम्र है और आप BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स मुकाबला आपने जीता जो कि पूरे भारत में किसी ने नहीं जीता, और उसके बाद आप पूरे विश्व रैंकिंग में, BWF विश्व रैंकिंग में आप तीसरे स्थान पर हैं, तो ये एक जश्न, ये जो आपकी सफलता है ये जश्न से ज़्यादा जिम्मेदारी तो नहीं लगती? डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट बहुत खुश लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मैंने वर्ल्ड सुपर सीरीज़ फाइनल्स, वर्ल्ड टू फाइनल्स जीती, वो भी ईयर एंडिंग में। तो डेफिनेटली अ प्राउड मोमेंट, एंड दिस वन गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे एंड लॉट ऑफ बूस्ट। सो विद द सेम कॉन्फिडेंस आई होप आई विल मूव फॉरवर्ड एंड विन अ लॉट मोर। आपके पिताजी तो वॉलीबॉल प्लेयर हैं, तो आपके अंदर ये रैकेट पकड़ने का जोश कैसे आया और किस तरह से आप इस राह पर चली, इसके बारे में बताइए। इट वॉज माई इंटरेस्ट दैट आई केम इन टू बैडमिंटन एंड मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट ऐसे नहीं बोला कि क्यों वॉलीबॉल नहीं खेल रही है, क्यों बैडमिंटन, बहुत लोग पूछते थे कि क्यों वॉलीबॉल नहीं खेल रही है, आपके पापा मम्मी वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं। तो ये मेरा ओन इंटरेस्ट था एंड आई एम लकी टू हैव स्पोर्ट्स पर्सन्स एज पेरेंट्स, एंड क्योंकि उनको पता रहता है कि क्या करना है, या मोटिवेशन या सपोर्ट देते रहते हैं मुझे, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर टुडे। ये बात तो है, माता पिता के बगैर तो कोई मतलब सोच भी नहीं सकता आगे बढ़ने का, और आपने खैर उनको प्राउड भी फील कराया है। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे ये जानने के लिए, क्योंकि कोर्ट पर जब आप रहती हैं तो बहुत ही अग्रेसिव रहती हैं, मतलब इनफैक्ट पुलेला गोपीचंद कहते हैं कि ये एक अग्रेसिव प्लेयर है मेरी। तो पुलेला गोपीचंद तो आपको इस तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन पुलेला गोपीचंद की कोचिंग को अगर डिफाइन करना हो तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगी? हाँ, डेफिनेटली मैं कोर्ट पे बहुत अग्रेसिव हूँ। इन द सेम वे आई थिंक एज अ कोच गोपी सर भी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत फोकस्ड है, क्योंकि वो रहना चाहिए एज अ कोच। बट अपार्ट फ्रॉम बैडमिंटन, ऑफ कोर्ट तो बहुत जोवियल रहते हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं गोपी सर हमारे साथ, बट या ऑन कोर्ट तो वो रहना चाहिए बिकॉज इतना मेहनत करते हैं हम लोग, कभी कभी मिस्टेक्स होते रहते हैं, तो कभी कभी स्ट्रिक्ट होते हैं सर एंड यू नो डांटते हैं, बट again he'll make us understand in the same way, so as a coach I think he have to be that way. To koi unki aisi salah jo aap hamesha yaad rakhti hain jab bhi aap court par khelne jaati hain? एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं है, बट अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है हर एक प्लेयर के साथ। तो एज अ कोच ही विल नो व्हाट इट इज़, कि क्योंकि मैंने जब 10 साल की थी तब से अब तक मैं उन सर के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उनको पता रहता है कि मिस्टेक्स क्या है, फॉल्स क्या है, इम्प्रूवमेंट्स क्या है। तो पुलेला गोपीचंद की अकेडमी से पहले आपने बैडमिंटन इंडियन रेलवेज के साथ भी खेला, तो वहाँ पर महबूब अली मेरे ख्याल से आपको मिले थे, उनकी कोई याद है जो आप आज भी ताज़ा हैं आपके? हाँ, महबूब अली मेरा फर्स्ट कोच था, तो आई एक्चुअली स्टार्टेड विथ हिम, तो उन्होंने मुझे ग्रिप या मूवमेंट्स थोड़ा इधर उधर, ही टॉट मी अ लॉट, डेफिनेटली फर्स्ट गुरु वी शुड नेवर फॉरगेट, एंड देन आई शिफ्टेड टू गोपीचंद अकेडमी एंड स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर मैं बहुत इम्प्रूव किया एंड आई एम हियर टुडे। साइना नेहवाल के साथ जब पीवी सिंधु खेलती हैं, चाहे वर्सेस हो चाहे विद हो, तो हमेशा कभी कभार ये बातें होती है कि ये तो राइवल्स हैं ऑन कोर्ट, और बोलते हैं कि एकेडमी में है तो एक कंपटीशन की भावना है, तो ये वाकई है या फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो सब ऐसे बकवास है? मतलब एक्चुअली ऑन कोर्ट राइवलरी है बिकॉज यू नो द कॉम्पिटिशन इज सो हाई, कॉम्पिटिशन इतना हाई है कि वो राइवलरी रहना चाहिए बिटवीन द प्लेयर्स। वेन यू गो ऑन टू द कोर्ट दोनों, इवन साइना इज अ वेरी गुड प्लेयर, सो वेन वी प्ले अगेंस्ट ईच अदर एनी वन ओनली कैन विन, सो टू विन दैट ऑब्वियसली एग्रेसिव रहना पड़ता है एंड दैट राइवलरी विल ऑलवेज बी देयर, बट अगेन ऑफ कोर्ट विच इज नॉर्मल फ्रेंड्स। तो ऊबर कप में मुझे याद है आपने साइना नेहवाल के साथ डबल्स खेला था 2014 में मेरे ख्याल से, तो अब अगर आपको दोबारा मौका मिले तो खेलना चाहेंगे फिर उनके साथ? वेल इट वॉज अ टीम इवेंट, हम लोग टीम इवेंट खेले थे, तो आई थिंक या आई मीन if there's nobody, yeah,
सो पीवी सिंधु, बहुत ज़्यादा कोर्ट की बात हो गई, लेकिन अब ऑफ द कोर्ट अगर मैं आपको लेकर चलूँ, सीधा आपके घर लेकर चलूँ, तो आप वैसे तो अग्रेसिव हैं, लेकिन घर में किसकी डांट से सबसे ज़्यादा डर लगता है, पापा की या मम्मी की? दे डोंट एक्चुअली स्कोल्ड मी, क्योंकि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं घर में नहीं रहती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ट्रैवलिंग, टॉर्नामेंट्स रहता है, बट हाँ जब टॉर्नामेंट्स नहीं है एंड व्हेन वी हैव ऑफ तो मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। पी दिव्या जो है वो एक अलग तरह का खेल खेलती हैं और आप बैडमिंटन कोर्ट पर हैं, तो आप दोनों की केमिस्ट्री घर पर कैसी है और किस तरह से आप लोग अपना एक समय बिताते हैं? वो पहले खेलती थी नेटबॉल, अभी शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो या आई थिंक शी, आई वुड से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आई शेयर एवरीथिंग विथ हर। हम दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 7 years डिफरेंस है, बट वी डोंट बी लाइक दैट और बिहेव ऐसे, बट वी आर वेरी क्लोज एंड फाइट तो हम नहीं करते एंड या वी शेयर एवरीथिंग, सो आई एम वेरी क्लोज टू हर। सो जब कोर्ट पर अगर दोबारा जाएं तो आपने 2018 में, वैसे तो आपने पूरी कोशिश की कि आप अकाने यामागुची को या फिर नोजोमू ओकुहारा को हराएं, लेकिन आपको वो सारे मौके मिल गए BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में, तो वहां पर आपने सबको हरा दिया, आपने नंबर एक खिलाड़ी टाई जुइंग को भी हरा दिया, तो आपको क्या लगता है कि जो चाइनीज टाइपे के खिलाड़ी हैं या जो जापानी मूल के खिलाड़ी हैं, उनमें ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो उन्हें एक शिखर का बैडमिंटन प्लेयर बनाती है विश्व के? हर एक प्लेयर में देर आर डिफरेंट स्ट्रोक्स टू लर्न, क्योंकि एवरीबडी हैज़ गुड स्ट्रोक्स इन देम, तो यूनिक स्ट्रोक्स है। अगर हम ताई जुइंग के बारे में बात कर रहे हैं तो शी इज़ वेरी डिसेप्टिव, अभी नोजुमी ओकुहारा या यामागुची वो लोग रैली प्लेयर्स है एंड कैरोलिना इज़ अ वेरी एग्रेसिव अटैकिंग प्लेयर, तो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले, तो हम एक ही स्ट्रैटजी से नहीं खेल सकते सबके साथ, सो इट इज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटजी। एंड अभी ऐसा हो गया कि बैडमिंटन स्पोर्ट हैज़ बिकम अ लॉट मोर ऑफ, यू नो देर आर अ लॉट मोर प्लेयर्स, लाइक टॉप 1 to top 15 आर ऑफ सेम स्टैंडर्ड्स, आई वुड से ऑन दैट डे हु प्लेज वेल एंड गिव द बेस्ट इज अ विनर, तो यू कांट ऐसा नहीं खेल सकते कि हम अगर लो रैंक प्लेयर के साथ खेल रहे तो यू कांट टेक इट ईजी, यू नो एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक अभी ऐसा हो गया कि हम लोग एक ना एक टूर्नामेंट में खेलते रहते हैं, तो वी नो ईच अदर्स गेम, इट्स जस्ट दैट यू गो ऑन टू द कोर्ट एंड स्ट्रैटेजाइज अकॉर्डिंगली। प्रीमियर बैडमिंटन लीग की अगर हम बात करें, तो हैदराबाद हंटर्स को इस बार आप लीड कर रही हैं, पिछले साल कैरोलिना मारिन ने लीड किया था और उन्होंने तो पूरा जीत तक पहुंचा दिया था, तो इस बार जिम्मेदारी ज़्यादा लग रही है? वेल जिम्मेदारी ऐसा नहीं है, बट या बीइंग इन हंटर्स टीम, होम टीम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम वेरी थैंकफुल एंड काफ़ी मैचेस खेले हम लोग, तो आई थिंक एज अ टीम वी हैव बीन रियली गुड एंड हमारे टीम में एवरीबडी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड वेरी नाइस एंड एवरीबडी इज़ अ फाइटर, तो आई डोंट हैव मच टू से, बट या आई थिंक वी सपोर्ट ईच अदर, क्योंकि टीम इवेंट इज़ अ डिफरेंट एनवायरमेंट वेर यू नो अदर टीम्स, अदर कंट्री प्लेयर्स एंड यू नो वी गेट टूगेदर एंड प्ले एज अ टीम, तो आई थिंक इट्स बीन फैंटास्टिक एंड हैदराबाद हंटर्स विल डेफिनेटली डू वेल। तो अब बारी है रैपिड फायर राउंड की, क्योंकि लेट्स ऐड सम स्पाइस एट द कोर्ट। अगर आप बैडमिंटन खिलाड़ी ना होती तो कौन सा प्रोफेशन चुनती? पहले मैं सोचती थी डॉक्टर, बट अभी आई वुड से बैडमिंटन इज मच इजियर। इसमें अगर आपको साथ खेलने का मौका मिले तो साइना नेहवाल और कैरोलिना मारिन अगर ऑप्शन हो तो दोनों में से किसको चुनना चाहेंगे? आई प्लेड विद साइना बट आई हैवंट प्लेड विद कैरोलिना, सो मे बी कैरोलिना। अगर किसी लड़के को आपको इम्प्रेस करना हो तो पीवी सिंधु को चॉकलेट्स दे या फ्लावर्स? आई वुड से बोथ, बिकॉज़ आई लव बोथ। अगर मम्मी का खाना खाने का आपको मौका मिले तो फिर क्या सबसे ज्यादा पसंद है आपको? कीमा। बॉलीवुड एक्टर कोई आपको पसंद है? या आई लाइक रणवीर सिंह। एक स्ट्रेंथ जो साइना नेहवाल के बारे में आपको लगता है कि अगर मुझ में होती तो क्या बात होती? शी इज अ फाइटर। वो तो आप भी है वैसे। पूरी दुनिया को आपसे कोई एक क्वालिटी सीखनी हो, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी, तो वो पीवी सिंधु की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो दुनिया आपसे सीख सकती है? देर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ हु हैज लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेरे से कुछ सीखना है तो आई वुड से नथिंग मच, आई थिंक मुझे और सीखना है लोगों को देख के, बट या देर इज नथिंग मच।